एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हीरोज की एक पार्टी को जो कि डीमन किंग से लड़ रहे होते हैं और ये एक साथ मिलके डीमन किंग के ऊपर हमला कर देती है, पर इनके हमले को डीमन किंग ब्लॉक कर देता है और यही हमारा मेन कैरेक्टर है। इसका नाम जिकी मोहर है। यहाँ पे हीरोज दोबारा से इसके ऊपर हमला कर देता है। जिकी इस हमले को देख के सोचता है कि लगता है इस हमले को मैं ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा और ऐसे ही होता है। जिकी हवा में उड़ जाता है और वो सोच रहा होता है कि कितनी परफेक्ट एंडिंग है ये डीमन किंग के लिए। हमें फिर शाम को दिखाया जाता है जहाँ पे जिकी को काफी आवाजें आ रही होती है। यहाँ पे हीरोज की पार्टी के लोगों से कह रहे होते हैं कि इसे मार दो, इससे पहले वो दोबारा से होश में आ जाए। पर हीरो ने समझाता है कि वो उस दशा में नहीं है कि वो हमारे ऊपर दोबारा से हमला करे। यहाँ पे जिकी फिर सोचता है कि लगता है मैं अब तक मरा नहीं हूँ। या फिर हीरो का चेहरा देखता है, वो कहता है ये काफी खूबसूरत है और साथ ही साथ काफी एरोगेंट भी। यहाँ पे हीरो फिर इसी यहाँ पे भाषण देने लग जाता है कि उसने क्या क्या किया है और अब उसकी उसकी सजा उसे मिलके रहेगी। पर जिकी यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि आखिरकार ये इतना सारा भाषण क्यों दे रहा है जब ये मुझे मारने ही वाला है। ये काफी ज्यादा अनोइंग है जब वो ये सारी चीजें मुझे दोबारा से बोल रहा है। ये काफी शेमफुल होगा कि मैं ऐसे मर जाऊं, पर अच्छी चीज ये है कि मेरे पास फेस ट्विस्टिंग की है। इसकी मदद से मैं हीरो को दोबारा से स्टैप कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता इसे क्या होगा, पर मुझे ये जरूर पता कि इसका यूज करके मैं अपने टारगेट का भविष्य चेंज कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता इसका भविष्य कैसे चेंज होगा, पर इसे यूज करने में हर्जी क्या है। हीरो फिर यहाँ पे इसके ऊपर हमला कर देता है, पर किसी तरह जिकी इसके हमले को झेलने में कामयाब हो जाता है। हीरो फिर इसे पूछता है कि तुम कर क्या रहे हो। ये फिर यहाँ पे फेट ट्विस्टिंग की का यूज कर लेता है, जो देख के हीरो कहता है कि आखिरकार ये तुम्हारे पास कैसे आया। ये इसे कहता है कि लगता है तुम इसके बारे में काफी चिंता करते हो, जिसके बाद हीरो उसकी गर्दन काट देता है और उसी के साथ डीमन किंग का खात्मा हो जाता है। पर वो मरते मरते सोच कि मैंने जितना सोचा था मैं उसे जल्दी मर रहा हूँ, पर मुझे किसी चीज का भी पछतावा नहीं है। इसके बाद जब डीमन किंग जिकी की आंखें खुलती है तो एक रूम में होता है और वो सोचता है कि आखिरकार ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसे यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा होता। ये फिर मिरर में खुद को देखने के लिए चले जाता है जहाँ पे ये देखता है ये काफी यंग बन चुका होता है। इसे समझ नहीं आ रहा होता कि पहले तो उन लोगों से लड़ रहा था जिसके बाद उसने उसे यहाँ पे काफी भाषण दिए और उसके बाद इसने यहाँ पे फेट ट्विस्टिंग की का यूज किया, पर इसे ये पता नहीं होता कि आखिरकार वो की इसके पास आई कैसे। इसे यहाँ पे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता, पर ये चीज के बारे में श्योर होता है कि ये टाइम के पीछे आ चुका है जहाँ भी अपने फैमिली के साथ रहा करता था। पर आखिरकार इसकी फैमिली कैसी थी और आखिरकार इसने अपने फैमिली को क्यों छोड़ा, इसकी मेमोरी अभी भी काफी ज्यादा धुंधली होती है। उतने में यहाँ पे एक सर्वेंट आ जाता है जो कि इसे कहता है कि यंग मास्टर आखिरकार आप अब तक तैयार क्यों नहीं हुए। जिकी को ये सर्वेंट बिल्कुल भी याद नहीं होता, पर वो सोचता है कि कम से कम वो मुझसे तमीज से तो बात कर रहा है। तभी वो सर्वेंट इसे बदतमीजी से बात करने लग जाता है, तो जिकी हाथ का इशारा करके सर्वेंट को अपने पास बुलाता है। वो सर्वेंट इसे पूछता है कि आखिरकार आप यहाँ पे क्या कहना चाहते हो। ये फिर इसे जोरदार एक पंच मारता है और सर्वेंट इसे पूछता है कि आखिरकार आप ये सब कर क्या रहे हो। जिकी काफी गुस्से में होता है जिसके बाद वो इसे यहाँ पे लात मारने लग जाता है। यहाँ पे इसकी हालत बहुत पतली हो जाती है और ये सर्वेंट फिर इसे माफी मांगता है। उतने में यहाँ पे एक नाइट आ जाता है जिसके नाम बाइनर होता है और ये सर्वेंट उसके पीछे छुप जाता है। बाइनर फिर इसे पूछता है कि आखिरकार ये सब यहाँ पे हो क्या रहा है। जिकी समझ जाता है ये भी काफी बड़ा बदतमीज है। ये फिर इसके पास जाता है तो बाइनर इसे पूछता है कि आखिरकार तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे। ये इसे कहता है क्या तुम्हें मुझसे ऐसे बात करनी चाहिए। बाइनर से कहता है कि तो क्या हुआ, क्या तुम मुझे भी हंस की तरह मारोगे। ये कहता है कि हाँ बिल्कुल। जब एक कुत्ता बिगड़ जाता है और अपने मालिक को पहचान नहीं पाता तो उसे पीटने की तो जरूरत पड़ती है ताकि वो अपने हद में रहे। बाइनर से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो, क्या तुम इतने स्किल्ड हो। ये कहता है कि मेरी करंट बॉडी और स्किल्स के साथ तो मैं तुमसे जीत नहीं सकता, तो चलो सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। नाम में मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तो मैं एक बिगड़ायल कुत्ते को तो अपने घर में नहीं रख सकता ना, मुझे उसे ट्रेन करना ही पड़ेगा। ये इसे कहता है कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। तभी जिकी इसके मुंह पे एक कपड़ा फेंक देता है जिस वजह से बाइनर कुछ भी नहीं देख पा रहा होता है और जिकी तभी एक गमला इसके सर के ऊपर फोड़ देता है जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है और कहता है कि बेवकूफ नाइट ताकतवर बनना ही हर चीज नहीं होती। जिसके बाद ये इसे कहता है कि चलो तुम्हें खत्म करने का समय हो चुका है और ये हंस को एक जोरदार पंच देता है और हमें सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है जो कि हेल्प की होती है। हमें फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जिकी गेट के सामने खड़ा होता है। यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि पहले मैं इस डोर को ओपन करने से भी काफी घबराता था, पर जल्दी मुझे रियलाइज हो गया कि इस चीज के बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है। ये फिर इस गेट को खोल देता है जहाँ पे जिकी की सस्ती फैमिली उसका इंतजार कर रही होती है। हमें फिर कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जिकी के स्टेप ब्रदर ग्रिक स्टील वेल को, जो कि यहाँ पे बैनर को कह रहा होता है कि फादर को इस बारे में पता चल चुका है और वो तुमसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। आखिरकार तुम जिकी के एक छोटे से हमले से बेहोश कैसे हो सकती हो, तुम स्टील वेल के नाइट के तौर पर एक धब्बा हो। यहाँ पे पर ये से कहता है कि घबराओ मत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। वर्ड ऑफ स्टील
स्टिलवेल जो कि जिकी के फादर है वो इसे पूछते हैं कि तुम लेट हो। ये कहता है कि आखिरकार आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। इसके फादर इसे कहते हैं कि लगता है तुम भूल चुके हो कि दूसरे को कैसे ग्रीट किया जाता है। ये इसे कहता है कि वैसे भी आप इस चीज को एक्सेप्ट करने नहीं वाले तो आखिरकार इसका पॉइंट ही क्या बनता है। इसके फादर इसे कहते हैं अगर तुम ऐसी बदतमीजी से लोगों से बात करोगे तो आखिरकार तुम इस फैमिली के हेड कैसे बनोगे, तुम मेन हायर हो स्टिलवेल फैमिली के, कम से कम कुछ एफर्ट तो दिखाओ। ये इसे कहते हैं कि सक्सीड आपने मुझे कभी भी फैमिली हेड बनाने के बारे में सोचा भी है। इसके फादर इसकी इस बात से गुस्सा हो जाते हैं। तब यहाँ पे जिकी की स्टेप मदर फ्लोरल जो है वो इसे कहती कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जिकी एक बदतमीज लड़का है। जिकी को अच्छे से याद होता है कि उसकी स्टेप मदर और उसका जो भाई है वो हमेशा उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश किया करते थे। जिकी ने कहता है कि आखिरकार आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं आपसे बदतमीजी से बात करूंगा, है ना मदर। इसकी ये बात सुन के इसकी मदर गुस्सा हो जाती है। ये फिर इसे कहता है कि इन दोनों का शुक्रिया कि आप दोनों ने मुझे यहाँ पे बुलाया और मैं आपसे माफी चाहूंगा फादर, मैंने एक काफी बड़ी गलती की है, मैं इस अपनी गलती को अब सुधारने वाला हूँ। और ये अपनी तलवार को हैंस के ऊपर लगा देता है। पर इसके फादर इसे कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक स्वॉर्ड को किसी के ऊपर तानने की। पर जिकी इसे कहता है कि फादर जिस पर्सन ने स्टिलवेल फैमिली के हायर को ह्यूमिलेट किया हो तो मेरा पूरा हक बनता है कि मैं इसकी गर्दन काट सकता हूँ और इसे कभी भी मार सकता हूँ। पर इसकी स्टेप मदर इसे कहती है कि ये हरकत करना बंद करो, आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है कि हंस ने तुम्हें ह्यूमिलेट किया है। हंस कहते हैं कि हाँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं है। जिकी ने कहता कि तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ। यहाँ पे हंस फिर सोचने लग जाता है कि अगर मैंने कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो ये मुझे मार देगा, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तब यहाँ पे बैनर कहता है कि फर्स्ट यंग मास्टर झूठ बोल रहे हैं। तो जिकी की स्टेप मदर कहती है कि ये बात सच है क्या। ये कहता है कि हाँ, जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो यंग मास्टर हंस को मार रहे थे, उसके बाद उन्होंने मुझे भी मारा। जिकी से कहता है कि तुम्हारे लिए कहना कितना आसान ना, पहले मैंने एक सर्वेंट को मारा, उसके बाद मैंने एक ताकतवर नाइट को मारा जो कि मुझे एक बार में मार सकता था। लगता है तुम अपनी गलतियों को मानने से रहे। ये कहता है कि मैंने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला। तो जिकी से कहता है कि अब तुम विक्टिम कार्ड खेलने वाले हो, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, बातों को छोड़ो, अपनी स्किल से फैसला करते हैं। ये कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या। जिकी कहता है ये फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है और ये तुम्हारा चांस है कि तुम मुझे इस ड्यूल में मार भी सकती हो। यहाँ पे इसके फादर इस ड्यूल के लिए अलाउ कर देते हैं और ये अपने फादर का शुक्रिया करके ये कहता है कि फादर आप जगह और टाइम कभी भी डिसाइड कर सकते हो अपने हिसाब से। पर इसके फादर सोच रहे होते हैं कि मुझे तो लगा था कि मैं उसे बुलाऊंगा और उसे थोड़ा डांटूंगा और उसे वापस भेज दूंगा, पर इसे मैं एक अच्छे एक्सक्यूज की तरह ले सकता हूं। अगर वो हार गया तो मैं यहां पे अपने टाइटल को ग्रीक को दे दूंगा। यहां पे ये फिर से कहता है कि फादर मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूं। ये कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। जिकी ने बताता है कि मुझे रियलाइज हो गया है कि अगर मैं ताकतवर नहीं बना तो मैं वो चीज कभी हासिल नहीं कर पाऊंगा जो मुझे चाहिए। इसके फादर इसे पूछते कि तुम्हें क्या चाहिए। ये इसे कहते हैं कि घबराइए मत, मुझे फैमिली हेड का टाइटल नहीं चाहिए और वैसे भी अभी आपको मैं कुछ भी बताऊं तो आप मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनने वाले हो, तो मैं आपको ड्यूल वाले दिन ही मिलूंगा। जिकी फिर अपने घर के बैकयार्ड में आ जाता है जहाँ पे वो ये सोच रहा होता है कि एक 18 साल की लड़की की बॉडी, मैं अब समझ गया हूँ कि मेरी बॉडी पूरी तरह कमजोर हो चुकी है। पहले मेरे फादर ने काफी कोशिश की थी मुझे स्वॉर्डमैनशिप सिखाने की पर मैं उसे सीख नहीं पाया था। उस टाइम मुझे ये सब बेकार लगा करता था पर उस टाइम मुझे एहसास नहीं था कि मेरे अंदर एक ताकतवर एग्जिस्टेंस रहती है। एक आम आदमी एक हद तक ही माना को ऑब्जर्व कर सकता है पर मेरे केस में ये बिल्कुल अलग है। मैं जितना चाहूँ उतना माना ऑब्जर्व कर सकता हूँ पर मेरी बॉडी इतनी अभी ताकतवर नहीं है, इसी वजह से उसका यहाँ पे दिल धड़कने लग जाता है और यहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। जिकी सोचता है कि मुझे लगा ही था अगर मैं उस लेवल पे पहुँचने की कोशिश करूँ जब मैं डीमन किंग था तो ये अभी के लिए तो इम्पॉसिबल है, मुझे माना अपने ड्रैगन को अवेकन करने के लिए चाहिए जो अब गायब हो चुका है। पर अगर ध्यान से सोचा जाए इवन अगर मैं डीमन किंग ऑफ पावर का टाइटल ऑब्टेन भी कर लेता हूँ तो उसके बाद में मुझे हार्डशिप और ट्रायल से गुजरना ही पड़ेगा। इस पॉइंट पे आने के बाद ऐसा लगता है कि किसी ने ये सब एक के बाद एक मेरे लिए प्लान कर रखा है। उठ जाता और कहता अगर तुम्हारा झांकना बंद हो गया हो तो तुम अब बाहर आ सकती हो। ये ग्रीक होता है जो कि इसे कहता है कि लगता है तुमने अपने मानव को अवेकन कर लिया है पर तुम्हें क्या लगता है ये पॉसिबल है, तुम्हारी इतनी कमजोर स्किल के साथ तुम सर बाइनर को हरा सकती हो और फैमिली हेड बनने की रेस में दोबारा शामिल हो सकती हो, आखिरकार वो तुम क्यों कर रहे हो जो चीज तुम्हें सूट करती ही नहीं है, जैसे तुम पहले थे वैसे ही रहो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखता रहूंगा। जिकी इसे कहता है कि तुम्हें देख के तो लग रहा है कि तुम डरे हुए हो कि कहीं मैं तुम्हारी फैमिली हेड की पोजीशन तुमसे ना ले लूं। ग्रीक कहता
सकता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं तुम जैसे लोगों को हरा नहीं सकता तो मैं फैमिली हेड बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। जेके से कहता है, अगर यही तुम्हारी ख्वाहिश है तो फिर ठीक है, मैं अपने छोटे भाई की ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। चलो वॉरियर्स की तरह डिसाइड करते कि कौन फैमिली हेड बनने के लायक है। ये कहता है कि तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि हम दोनों एक दूसरे से लड़े ताकि हम ये तय कर सके कि हम फैमिली हेड बनने के लायक है कि नहीं। ये कहते कि तुमने बिल्कुल सही कहा। पर ग्रेके से कहता है कि तुम पागल हो चुके हो, तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते। ये कहता है कि ठीक है, इन बातों को मैं हाँ की तरह लेता हूँ, मैं जगह और टाइम डिसाइड करूंगा कि कब हमें लड़ना है। ये फिर यहाँ से चले जाता है। हमें फिर यहाँ पे लड़ाई वाले दिन दिखाया जाता है जहाँ बाइनर और जिके के बीच में लड़ाई शुरू होने वाली होती है। यहाँ पे सभी लोग बाइनर को चीयर कर रही होती है जबकि जिके को कोई भी पसंद नहीं कर रहा होता। यहाँ पे बाइनर यहाँ पे जिके को अपने सामने झुक के माफी मांगने के लिए कह रहा होता है ताकि उसकी जान बख्श दे, पर जिके को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तब यहाँ पे एक नाइट आते हैं और इनकी लड़ाई को शुरू कर देते हैं और इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। बाइनर इसके ऊपर हावी हो जाता है और इसे कहता है कि यंग मास्टर, अगर आप मुझसे फेयरली फाइट करो तो आप मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। वह इनके फैमिली का सर्वेंट वर्डो को कह रहा होता है कि यंग मास्टर की जो फाइटिंग की स्किल है वो थोड़ी बेटर हो गई है, मुझे लगा नहीं था कि वो सर बाइनर के स्लैशेस को रोक सकता है। तो यहाँ पे उसकी स्टेप मदर इसे कहती है कि अभी भी हम एडवांटेज में है। पर ये इसे कहता है कि यंग मास्टर जिके को स्वॉर्डमैनशिप प्रॉपरली नहीं आती, आप ऐसा कह सकते हो अपने हिसाब से। वही दूसरे यहाँ पे सभी लोग बाइनर को चीयर कर रहे होते हैं और बाइनर इसे कह रहा होता है कि यंग मास्टर आप ये सुन सकते हो, जितने भी स्पेक्टर्स है वो इस चीज को जल्दी खत्म करना चाहती है। अगर आप इंजर्ड नहीं होना चाहते हो तो आपकी भलाई इसी में है कि आप सरेंडर कर दो। ये कहता है कि घंटा मैं सरेंडर नहीं करने वाला, अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत की है। जिके फिर यहाँ पे अपने एक नए मूव का यूज करता है जिसका नाम सेंस एक्सटेंशन होता है और इसके ऊपर हमला कर देता है। बाइनर को इसके इस हमले को रोकने में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, पर यहाँ पे जिके भी सोच रहा होता है कि मैं अपने माना को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर सकता, अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल गया तो ये आसपास की चीजें भी तबाह कर सकता है। वही लोग ये सोच रहे होते हैं कि आखिरकार बाइनर जिके को हराने में इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है जबकि जिके उसे काफी ज्यादा कमजोर है। वही दूसरी ओर उसकी फैमिली वाले भी काफी हैरान होते हैं जिके को ये स्किल यूज करते हुए देख कर, क्योंकि ये स्किल किसी ने भी जिके को नहीं सिखाई है, तो आखिरकार उसने ये स्किल कहाँ सीखी। बाइनर भी यही चीज सोच रहा होता है, पर वो सोचता है कि उसके माना पे अपना कंट्रोल नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उसकी बॉडी और माना एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वो अपने माना पे कंट्रोल नहीं कर सकता, ये एक लूजर के अलावा कुछ नहीं है। ये फिर यहाँ पे जिके को कहता है कि खेलना बंद करो और फेस टू फेस लड़ाई करो। और यहाँ से जो कहानी वो टू भी कंटिन्यू जाती है। इस कहानी में मैंने अब तक सिर्फ 3 चैप्टर एक्सप्लेन किए, वैसे तो इसकी 20 चैप्टर है, वो भी मैं जल्दी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज यहाँ शायद हो सकता है इसकी और 3 या 4 एपिसोड और आ जाए। तो हाँ, अगर इस कहानी को आप मिस करना नहीं चाहते हो और अगर आपको ये पसंद आ गई है तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है और आप जल्दी से जल्दी देख पाओगे उसे। बस जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे और देखते रहिए मूवी बोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।